केंद्रीय अर्थसंकल्पावरील चर्चेला सध्या अरुण जेटली उत्तर देतात. आपण थेट जाऊयात राज्यसभेत. 9% 2.5% अँड 2.1% धीरे धीरे रेव्हेन्यू डेफिसिट कम होणार. किस आंकड़े को आप मिलाएंगे? इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति, तेल के दाम बढ़ गए तो आप क्या करोगे? अब मुझे तो ऐसा अभी तक कोई अर्थशास्त्री नहीं मिला जिसने मुझे 120 के दाम पे बतलाया था कि दाम 30 रुपए डॉलर पे आ जाएगा, और जब 30 पे आया तो किसी ने नहीं बताया था कि वापस 70 पे जाने वाला है, और यहां बहस होते होते 70 से 66 पे पहुंच गया, आज 62, अब 63-64. तो ये फ्लक्चुएटिंग है. व्हाट इज द लास्ट 3 इयर्स ऑफ योर इन्फ्लेशन? नाइन पॉइंट फोर परसेंट एंड नाइन परसेंट. तीनों सालों में 9% से ऊपर आपका इन्फ्लेशन फिगर था, और एक बार तो डबल डिजिट इन्फ्लेशन था. और पिछले 3 साल में 2.5% भी रहा, 3% भी रहा, इस साल की औसतन है 3.6%. आई डू बिलीव दैट सम पीपल कैन मेक वेरी गुड कॉमेंटेटर्स बिकॉज दे राइट एंड स्पीक द राइट लॉजिक, बट आई एम नॉट सो श्योर वेदर दे मेक द बेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर्स इफ दिस इज द डेटा दैट स्पीक्स फॉर इटसेल्फ. हर आंकड़े पे, और हमें यह कहा जा रहा है कि द डॉक्टर हु डायग्नोज योर इलनेस इज अ वेरी गुड वन बट यू आर अ बैड पेशेंट. But then let us not be under the impression that these are data anybody is likely to forget. And just appreciate this journey. That was a journey from policy paralysis to structural reforms that we have covered. That's a journey from the fragile five to what is now referred to as a bright spot in the economy, in the world. Free 24 तास, रहा एक पाउल पुढे.